brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. चिंता रही पूरा दो मुद्दों पर ही रहा कि या तो हमें मोदी को जिताना है या इंडिया गठबंधन को जिताना है। धनंजय सिंह जेल में होते हैं, उनकी पत्नी को बसपा टिकट देती है, फिर बाद में वह टिकट कट जाता है। चर्चा नहीं हुई, केवल चर्चा हुई तो मोदी के नाम पे वोट दीजिए, हिंदू के नाम पे वोट दीजिए, राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। इस मुलाकात करने से, धनंजय सिंह को अपने पक्ष में करने से निश्चित रूप से उनको लाभ होना रहा होगा। छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। जौनपुर जिले की दो लोकसभा सीट मछली शहर और जौनपुर में भी मतदान समाप्त हो गया है। हम बात करेंगे क्या रहा आज का मतदान, किसके पक्ष में रहा, ओबीसी किसके साथ गया, जाटो वोट किसके साथ गया। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे बात करेंगे डिटेल में। एनआईपी के हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल पांडे जी हैं, वहीं पे कौटिल्य भारत के संपादक डॉक्टर राम श्रृंगार शुक्ल गदेला जी हैं, समाचार पत्र जौनपुर से साप्ताहिक और दैनिक है जौनपुर समाचार, उसके संपादक महेंद्र जी हैं, आज के पत्रकार संजय अस्थाना जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जो हिंदुस्तान में कभी लिखते थे, अभी भी अखबारों में अपनी रचनाएं लिखते हैं, खबरों को लिखते हैं, अनिल अस्थाना जी हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी से। अनिल पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक में। धन्यवाद आपको। आज चुनाव समाप्त हो गया है, जो शोर था जौनपुर मछली शहर का, क्या मुद्दे रहे आज जो चुनाव में वोट पड़े, मुद्दे क्या थे? देखिए, इस इलेक्शन में मैंने जो देखा अभी तक कि जो विकास की बातें होनी चाहिए थी, जो जौनपुर की परेशानियां थीं या यहाँ कमियां थीं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हमने राजनीतिक नेतागण लोगों को भी देखा, आम लोगों को भी देखा कि उस तरफ थोड़ा सा उदासीनता रही। पूरा दो मुद्दों पर ही रहा कि या तो हमें मोदी को जिताना है या इंडिया गठबंधन को जिताना है। जातिगत आधार पर सारे समीकरण बन बिगड़ रहे अब तक रहे, जितना भी था यहाँ पे उसी पे यहाँ का चुनाव चला है। जितनी उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि इस बार पिछली लोकसभा से ज़्यादा प्रतिशत होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नेतागण लोगों ने यहाँ पर अपनी ताकत पूरी झोंकी थी, लेकिन उतना दिखाई नहीं दिया। हम अंदाज़ा जो लगा रहे हैं, अभी कोई आधिकारिक सूचना प्रशासन की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 56% उसके आसपास दोनों लोकसभा क्षेत्रों को मिला करके पड़ेगा। और आ जाए जब तक कुछ बताया जा सकता है कि वोट किस तरफ बैठेगा, लेकिन दोनों पक्ष इसमें भाजपा और उनका अलायंस और इंडिया गठबंधन दोनों अच्छा लड़े हैं दोनों लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन जो कयास लग रहा है कि कहीं इंडिया गठबंधन आगे है किसी लोकसभा में, किसी लोकसभा में भाजपा भी अच्छा लड़ी है, तो 50-50% का मुद्दा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव जो है इस तरह से चलेगा। डॉक्टर राम श्रृंगार शुक्ल जी, धन्यवाद। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह का टिकट मिलता है वो बसपा से, उसके बाद कट जाता है। कितना आप मानते हैं कि ये फैक्टर जौनपुर में कितना रहा? बाद में धनंजय सिंह जिस तरह से आते हैं, राज एंट्री होती है, समर्थन देते हैं भाजपा को और भाजपा के पक्ष में प्रचार भी करते हैं, इस चीज़ को किस नज़रिए से आप देखते हैं? धन्यवाद राजकुमार जी।
जहाँ जौनपुर जनपद में दो संसदीय क्षेत्र हैं, एक जौनपुर सदर है, एक मछली शहर है। मछली शहर पे तो बाद में बताऊंगा, आपने सदर की बात कही है। धनंजय सिंह जेल में होते हैं, उनकी पत्नी को बसपा टिकट देती है, फिर बाद में वह टिकट कट जाता है, फिर वो चुनाव मैदान से हट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे देते हैं। इसके साथ ही जौनपुर संसदीय क्षेत्र में एक और काम हुआ है। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री बाबा दुबे जो कभी बसपा के थे, बाद में सपा के हुए, विधायक हुए, उन्होंने भी जौनपुर संसदीय क्षेत्र में अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। बड़े ब्राह्मण नेता कहे जाते हैं, उस क्षेत्र के विधायक भी ब्राह्मण नेता हैं, 5 विधानसभा है इस संसदीय क्षेत्र में। तो यहाँ धनंजय की पत्नी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्षमा करिएगा, अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, तो उनके पास एक अपना वोट बैंक है, जो कहा जाता भी है और देखा भी गया है। इस तर्क से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अब तक हम लोग समझ रहे थे, कहा जा रहा था लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन अब जब वोट पड़ चुका है, बाबा दुबे धनंजय सिंह का, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी श्री कला जी का समर्थन भाजपा को मिल चुका है, तो एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। तो कमोवेश परिणाम तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो दिन भर हम लोग फील्ड में रहे, लोगों की चर्चा जनचर्चा रही, उसमें यही थी कि जौनपुर सदर संसदीय क्षेत्र भाजपा के खाते में जा रही है। रही मछली शहर की बात, मछली शहर संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व तो कभी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। वह फूलपुर संसदीय क्षेत्र होता था, उसकी एक विधानसभा थी, बाद में ये लोकसभा बनी। यहाँ राजकेसर सिंह भाजपा से सांसद हुए, रामविलास वेदांती जी हुए, स्वामी चिन्मयानंद हुए, फिर रामचरित्र निषाद हुए, उसके बाद 181 वोट मात्र से बसपा से भाजपा में आए वर्तमान सांसद जीते थे पिछला चुनाव। इस चुनाव में आपको मैं बता दूं कि जो टक्कर है, बसपा का भी कैंडिडेट सरोज, सपा का भी कैंडिडेट सरोज, भाजपा का भी कैंडिडेट सरोज, तो यहाँ जो निर्णायक वोट होगा, जो एक SC ST वोट कहा जाता है, एक बैकवर्ड वोट कहा जाता है, एक सवर्ण वोट कहा जाता है, तो यहाँ का निर्णय सवर्ण करेगा। लेकिन पिछला इतिहास अगर देखें तो उसमें सपा बसपा मिल के लड़ी थी और 181 वोट से जीते थे। जहाँ तक मुझे याद है, जौनपुर की 4 विधानसभाओं में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन बनारस जनपद की एक विधानसभा पिंडरा है, जहाँ जाकर के उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ और सभी मतों को जब जोड़ा गया तो 181 वोट से वो जीते। यह बहुत छोटी जीत कही जाएगी, लेकिन इस बार उनके साथ जो हम लोगों ने देखा है, सुना है, कहा जा रहा है कि कभी क्षेत्र में नहीं आते, विकास का कोई कार्य नहीं किए, कुछ जगहों पर तो ये भी शोर रहा आज सुनने को मिला, जैसे मड़ियाहूं में मैं था
वहाँ सुनने को मिला, सवर्ण बस्ती में सुनने को मिला। कौन जाएगा वोट देने? जीतेगा तो यही जो अपने को कहता है कि हम वहाँ बुलडोजर बाबा हैं, हम SC ST बाबा हैं। तो सवर्ण वोट कहीं ना कहीं कम निकले हैं, लेकिन जो निकले हैं वो जा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं। और यहाँ इस बार मुद्दों का अभाव दिखाई पड़ा। जौनपुर जैसे शहर में जहाँ प्रातः स्मरणीय दीनदयाल जी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए थे, लड़े भी, अलग बात थी चुनाव हार गए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है। यहाँ मुद्दे तो कोई जाहिर हुए नहीं किस मुद्दे पे प्रत्याशी जनता के बीच आया है, मुद्दे कोई जाहिर नहीं हुए। यहाँ हमारे यहाँ देखिए पर्यावरण की समस्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रदूषण, जो जल का प्रदूषण है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केवल चर्चा हुई तो मोदी के नाम पे वोट दीजिए, हिंदू के नाम पे वोट दीजिए, राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। दूसरा आया तो वो कहता रहा कि संविधान बदल डालेंगे, हमको वोट दीजिए। तो इन्हीं मुद्दों पर वोट हुआ है, इसमें इन्हें मुद्दों पे वोट पड़ा है। कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है तो कोई हिंदू और राम मंदिर की बात कर रहा है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मछली शहर में जो एक विरोध का स्वर उठा, SC ST बाबा का जो वीडियो वायरल हुआ BP सरोज का, कितना नुकसान पहुंचा सकता है भाजपा को मछली शहर में? देखिए, अगर इस मुद्दे पे बात की जाए तो सीधे तौर पे तो तुरंत नुकसान पहुंचाया, नाराजगी आई, वायरल हुआ वीडियो का मतलब है कि नाराजगी जबरदस्त आई। जब नाराजगी आई तो उसका असर होना था, हुआ है असर। उसको कंपलसेट करने की काफ़ी कोशिश की गई। धनंजय सिंह जी ने वहाँ पे जगह जगह सभाएं की, जगह जगह जनसंपर्क किया, काफ़ी पैचअप किया। लेकिन एक बात जो सामने आई कि जो गया ही नहीं वोट देने, कम प्रतिशत ये बता रहा है कि बहुत सा मतदाता वोट देने निकला ही नहीं, इसका असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। धनंजय सिंह का कितना प्रभाव जौनपुर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी को, इसलिए कि 15 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला की फ़ोटो वायरल होती है, उसके एक सप्ताह बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह और श्री कला की फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल होती है, उसके बाद चुनाव के 2 दिन पहले कृपा शंकर सिंह की फ़ोटो श्री कला सिंह के साथ होती है, शिष्टाचार मुलाकात होती है दोनों लोगों में। क्या ये जो है सिनेरियो, ये भाजपा को लाभ पहुंचाएगा तो कितना? देखिए, भाजपा के जो रणनीतिकार थे उन्होंने निश्चित रूप से इस चीज़ को सोचा होगा कि इस पैचअप से, इस चेंज करने से, इस मुलाकात करने से, धनंजय सिंह को अपने पक्ष में करने से निश्चित रूप से उनको लाभ होना रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये चुनाव सच पूछिए तो राष्ट्रीय चुनाव था, स्थानीय मुद्दे 10-20% प्रभाव देते हैं। और रही बात जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो जब 10-20% देते हैं तो जब फाइनल होने लगता है, जब एकदम जीत हार होने लगती है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा एक मुद्दा है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में ही मुद्दे विहीन चुनाव हुआ। अगर विरोधियों ने मोदी के 10 साल के शासन के खिलाफ वोट मांगा तो सत्ता पक्ष ने भी कोई मुद्दे नहीं पैदा किए, उन्होंने भी सिर्फ मोदी के नाम पर मांगा। प्रधानमंत्री ओपनिंग करने यहाँ आए थे, सबसे पहले उन्होंने चुनाव में सारे नेताओं में सबसे पहले यहाँ जनसभा की, उन्होंने भी कहा कि मैं मोदी हूँ, मुझे देखिए, मुझे वोट दीजिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था कि ना किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं उठा। आप अगर ध्यान दें तो 1951 से लेके पिछले चुनाव तक गरीबी और भुखमरी का मुद्दा हमेशा छाया रहता था, बहुत बड़ा मुद्दा होता था, जनता से, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था। लेकिन इस बार वो मुद्दा गायब था। इतना बड़ा मुद्दा था कि 1971 में मिसेस गांधी ने, यानी सत्ता पक्ष ने खुद ये मुद्दा उठाया था कि हम गरीबी हटाएंगे,
तो ये मुद्दा भी इस बार नहीं आया, ना तो पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया ना विपक्ष ने उठाया। तो एक तरीके से कहा जाए ये चुनाव बिना मुद्दे के चुनाव के लिए याद किया जाएगा। निश्चित रूप से विरोध पक्ष ने जो सत्ता से बेदखल करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, उसने उतना ही मुद्दा रखा कि ये सरकार को हमें हटाना है, सरकार 10 साल में फेल रही है और इसे हटाना है। और मोदी ने अपने 10 साल के कामों को दिखा के अपने चेहरे पे वोट मांगा। संजय अस्थाना जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस इंडिया अलायंस ने दिया, यहाँ पे पिछड़ों को एकजुट करने का प्रयास हुआ, कहा यह जाता है कि जो मौर्य परंपरागत वोटर था भाजपा का उसमें भी सेंध लगी और 90% तक, जैसा कि चर्चा है कि 90% तक बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गया और भी ओबीसी गए। आपने आज पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में लोकसभा आपने भ्रमण किया, देखा, क्या आपको क्या लगा? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल की बात करें जौनपुर सहित, तो हमारे यहाँ हमेशा जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होते रहे हैं और इस बार भी यही हुआ। और बाबू सिंह कुशवाहा शायद लड़ने भी इसीलिए आए थे कि जौनपुर में मौर्य यादव और प्लस मुसलमान उनके साथ, मुसलमान और यादव उनके साथ है, मौर्याओं का हमको सपोर्ट मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, वो इसीलिए आए थे। और जहाँ तक मुद्दे की बात है तो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल नहीं रहे पूरे चुनाव में और राष्ट्रीय मुद्दे भी नहीं रहे, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहे। एक बात का बड़ा असर रहा हमको जो लगा देखने में कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हटा दिया जाएगा, तो अदर बैकवर्ड में इसकी बहुत तगड़ा करंट रहा और हो सकता है उसका असर 4 जून को देखने को मिले आज की वोटिंग में, ऐसा लगा मुझे। 4 जून को देखने का मिलेगा असर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुराने अनिल अस्थाना जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अनिल जी ये बताइए कि जौनपुर में ये जो सिनेरियो दिखा जिस हिसाब से कि श्रीकला सिंह बसपा से आई, उसके बाद बसपा का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसके बाद अचानक उनका टिकट कटता है, सिटिंग एमपी श्याम सिंह यादव को मिलता है, उसके बाद बसपा का जो ग्राफ था कहीं ना कहीं वह ग्राफ नहीं रहा जो श्रीकला के आने पे था, उसके बाद धनंजय सिंह घोषणा करते हैं, जन चौपाल करते हैं, भाजपा को समर्थन देते हैं, भाजपा के पक्ष में जौनपुर में मछली शहर में सभा करते हैं, चौपाल करते हैं, कितना कारगर होगा धनंजय सिंह का ये? ये धनंजय सिंह का जी का तो असर निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि उनका जो उनका असर है वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव का असर है, न कि किसी पार्टी के आधार पर उनका असर है। दो दो बार आपने विधानसभा चुनाव देखा, उपचुनाव भी देखा होगा मल्हनी का, उसके बाद आम चुनाव भी देखा था मल्हनी का, तो उनको जो है लगभग 1,00,000 के आसपास 80,000 प्लस वोट मिलता है, तो निश्चित है कि वो किसी पार्टी से नहीं, किसी दल से नहीं, किसी का समर्थन नहीं, कोई बड़ा उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं, तो अपने बल का, अपने जनसंपर्क का और अपने प्रभाव का उनके पास मत है और वो आज भी है, तो वो मत का प्रभाव तो दिखेगा। लेकिन जो भी आपने बसपा की बात कहा कि श्रीकला जी के हटने के बाद, तो जैसे कि श्रीकला जी के हटने के बाद तो बसपा के गुब्बारे की सारी हवा ही निकल गई, वो क्योंकि वही प्रत्याशी टिकट मिल गया उसको ही जिसने कि 5 साल तक लोगों को अपना दर्शन नहीं दिया था। ये यहाँ का स्थानीय ये शिकायत रही है कि 5 साल तक उनको लोग देखने के लिए अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ तमाम खोले बैठे रह गए, लेकिन वो मिले नहीं और उनका विकास न कहीं मिला न वो कहीं मिले। तो जैसे ही उनको टिकट मिला और श्रीकला हटी तो बसपा का तो गुब्बारा एक तरह से वहीं पिचक गया है। अब रही बात ये कि आज का जो चुनाव हुआ है, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत करंट टाइम में आपने सवाल कर लिया। आज का जो चुनाव है मित्र, वो अगर देखा जाए तो एक लाचार युवा, परेशान बेहाल किसान और उसके बाद सपने नाम की कोई चीज़ नहीं लेकर के लोगों ने 18वीं लोकसभा के लिए वोट दे दिया। ईवीएम बंद हो गया लगभग लगभग और परसेंटेज अब कुछ देर बाद आपको अपडेट हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो चुनाव होते हैं और ख़ास करके केंद्र का जो चुनाव होता है वो पढ़ाई पर होता है,
कमाई पर होता है, दवाई पर होता है, सिंचाई पर होता है, और वो मुद्दे पूरे चुनाव में कहीं किसी नेता ने अपने जुबान से कहा ही नहीं। हर आज जो भी आया वो बस जातिगत गणना शुरू, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण, कितने कुर्मी, कितने यादव, कितने मौर्या, कितने हरिजन। अरे चुनाव का मतलब क्या है कि आप जाति जनगणना करने आए हो, को चुनाव लड़ने आए हो? आप लोकसभा में कल बैठोगे, 18वीं लोकसभा होगी, उसका एक प्रधानमंत्री होगा, उतना बड़ा संसद होगा, और उसमें आपके पास पता लगा कोई गणना ही नहीं है। और सच्चाई यही कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब ऊपर ऊपर सब गणना करके लड़ रहे हैं। अब रही बात एक मतदाता हैं, उन्होंने मत दिया है और उसका परिणाम भी 4 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई है कि जैसे लग रहा था, आज मैंने भी कई जगह पे कई बूथों पे टहल करके देखा था दिन में, तो लग रहा था कि लोग बेबसी में वोट दे रहे हैं, मजबूरी में वोट दे रहे हैं, विदाउट विजन के वोट दे रहे हैं। तो ये समस्याएँ थी सामने, कहीं उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था। और कमोबेश अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो पीछे से चला आ रहा चुनाव, वो हर जगह 52%, 53%, 49% इस बात को साबित करता है कि लोगों में उत्साह नहीं है। उत्साह कब होता है? उत्साह तब था जब 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 15 लाख वाले वादे पे मैं नहीं जाता, तब उत्साह लोगों में था, नौकरियों का वादा किया गया था, बहुत सी चीज़ों को हमको सपने दिखाए गए थे। लेकिन जब 2014 का जो लड़का 18 साल का था, जो मतदाता भी हुआ था और बेरोजगार भी था, उसको सपना था कि मुझको नौकरी मिल जाएगी, आज वो लड़का 10 साल में 28 साल का हो गया। और अगर कहीं एक नई सरकार भी वही सरकार का गठन हो गई तो वो लड़का कितने साल का हो जाएगा, फिर 5 साल में आप जोड़ लीजिए, 28 साल का लड़का हो जाएगा 33 साल का। अब बता दीजिए, जिसने सेना की तैयारी की हो, जिसने सिपाही की तैयारी की हो, क्या उसको सपना उसका पूरा हो पाएगा? उसके घर वालों का क्या सपना होगा? उसके अभिभावक क्या सोचेंगे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाया होगा? तो ये समस्याएं थीं, इसी की लाचारी, इसी की बेबसी लेकर के लोग आज बस जैसे जा रहे हैं, न कोई उत्साह है, न कोई उमंग है, चलो दबा देते हैं किसी की, जो सामने आ जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद किसका मन कहाँ गया है मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई इस बात की है कि कहीं ज़मीन पर, कहीं धरातल पे कोई मुद्दा किसी के पास नहीं था। धनंजय सिंह का फैक्टर कितना काम करेगा, क्या वो जीत दिला पाएंगे? उन्होंने तो दावा किया है कि हम जौनपुर मछली शहर दोनों सीट पे हम जीत दिलाएंगे। अगर धनंजय जी ने ये वादा किया है तो जीत दिला भी सकते हैं भाई। उनके पास, मैंने कहा ना कि उनके पास एक बहुत बड़ा पैकेट है 80,000 से 1,00,000 का, और अगर लोगों ने उनके पर अपनी आस्था फिर से दिखा दी तो निश्चित रूप से जिसको उन्होंने समर्थन दिया है वो चुनाव जीत सकता है। ये फैक्टर उनका काम आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है 80,000-70,000 वोट का, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो काम आ सकता है। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि विजन विहीन चुनाव रहा अब तक। फिर हम पूछते हैं वो उसी सवाल की तरफ, सारे मुद्दों पे बात हो गई, अब बताइए कि किसका पलड़ा भारी दिख रहा है जौनपुर में? देखिए लड़ाई क्या दिख रही है, त्रिकोणी है सपा बसपा भाजपा, या क्या दिख रहा है? नहीं, दोनों लोकसभा में त्रिकोणी चुनाव तो नहीं है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ सोच रहा था, ये हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत आकलन हो, जितने यहाँ के राजनीतिक नेता हैं उसमें सबसे तेज दिमाग का आदमी धनंजय सिंह है, और धनंजय सिंह अपने सारे वोट को पोल करा दे बीजेपी के पक्ष में और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले, इस तरफ भी सोचना होगा लोगों को कि अगर उनके समर्थन से भाजपा का, अगर भाजपा की सीट निकल जाती है तो धनंजय सिंह निश्चित रूप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, फिर अगले चुनाव में भाजपा से उनका स्कोप उतना नहीं रह जाएगा। मांग कर सकते हैं, मांगना तो सबका अधिकार है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा एक एंगल ये भी है इस चुनाव में, साथ दे रहे हैं भाजपा का वो कह रहे हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति कई जगहों पर दर्ज भी कराई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हों, ये भी एक संभावना है, क्योंकि मछली शहर में इतनी अच्छी स्थिति भाजपा की नहीं लग रही हो, जबकि उनका फोकस सारा ज़्यादातर मछली शहर क्षेत्र में ही रहा है, लोकसभा क्षेत्र मछली शहर में
ज़्यादा उन्होंने काम किया है। अब ये तो भविष्य की बात है कि जनता, और आज के ज़माने में जो सब लोग कहते हैं कि उनका वोट बैंक कितना है धनंजय सिंह का, वो खोल करा देंगे, अपने लड़ते तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत ज़रूर जितना उनकी क्षमता है उसका 20-25% वोट में मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने पोल कराया होगा। फिर भी आज आपने पूरा सर्वे किया होगा, निकले होंगे, समाचार कवरेज किए होंगे, जानकारी सूत्रों से आई होगी, क्या क्या रहा, क्या लगता है? देखिए अभी जो दिख रहा है, अभी जब मैं यहाँ था तो अभी अपडेट आया है कि 55.54% जौनपुर में हुआ है और 54 कुछ वहाँ पे हुआ है मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र में। मेरा अपना आकलन है कि चूँकि दोनों जगह टफ फाइट है और धनंजय फैक्टर इतना नहीं काम करेगा जितना सब लोग सोच रहे हैं कि धनंजय फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं है। और ये भविष्य की चीज़ है, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपनी उपस्थिति दोनों जगहों पे बहुत अच्छी दर्ज कराई है और मुद्दों की लड़ाई कहीं नहीं है, मुद्दे सब हवा हवाई हो गए हैं। मेरा सवाल वही है, भारी कौन है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी या बसपा? नहीं देखिए, अब ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ कि कौन भारी है, दोनों में बहुत अच्छी लड़ाई हुई है और संभावनाएं दोनों तरफ है कि वोट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं कह सकता। जौनपुर और मछली शहर दोनों सीटों पे किसका? देखिए अब मेरा अगर व्यक्तिगत आप पूछेंगे तो मुझे मछली शहर में इंडिया गठबंधन ज़्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, जौनपुर में मैं नहीं कह सकता हूँ, दोनों तरफ पड़ा बराबर है और मतदाता भी बहुत जागरूक हो गए हैं, वो बहुत आसानी से नहीं खुलते हैं, तो अब दोनों चीज़ें हैं। अच्छा इस बार वो हम लोग पहले आकलन करते थे हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, कहाँ भीड़ ज़्यादा जा रही है, कहाँ क्या है, उससे एक आइडिया लगता था। इस बार कोई उत्साह कहीं नहीं दिखाई दिया, अब दोनों कारण है, गर्मी भी है और मतदाताओं में कोई बहुत ज़्यादा मुद्दों को लेकर के जागरूकता नहीं है, न नेताओं ने जगाया उन मुद्दों को, क्योंकि वो जगाते तो हो सकता है कि नुकसान भी हो जाता, तो जाति धर्म मंदिर मस्जिद संविधान बस इन्हीं सब चीज़ों पर बोल बोल करके लोगों ने किया है। अब जिसने जितना ब्रेन वॉश कर दिया हो वो उसकी उपलब्धि होगी। महेंद्र जी, जौनपुर में किसका पलड़ा भारी, सपा का, भाजपा का या बसपा का? दोनों विधानसभाओं में देखा जाए तो जो दोनों लोकसभाओं के अगर उसमें देखा जाए तो जो त्रिकोणीय लड़ाई की बात की जा रही थी वो सीधी की बात, मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ लड़ाई सीधी हो गई है, तकरीबन 12 लाख के आसपास वोट पोल हुए हैं और हमें ये लगता है कि लड़ाई कांटे की होने की वजह से एकदम से नहीं, किसके बीच में कांटे की लड़ाई गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और जहां तक मैं समझता हूं कि कम वोटिंग ये इशारा कर रही है कि गठबंधन बीच पड़ रहा है, गठबंधन बीच पड़ रहा है। संजय जी, बसपा क्या अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई किसके किसके बीच है, या बसपा भी त्रिकोणी बनाने का प्रयास की थी, बसपा है? देखिए अगर हम दोनों लोकसभा की बात करें, 73 जौनपुर और 74 मछली शहर की, तो बसपा के जो प्रत्याशी रहे दोनों जो है प्रशासनिक अफसर रहे हैं, मछली शहर में क्रिकेट संघ सरोज भी आईएएस से सेवानिवृत्त हैं और ये श्याम सिंह यादव भी रहे, 5 साल सांसद भी रहे, लेकिन ये कहा जाए कि दोनों ही लोकसभा में हाथी दौड़ नहीं पाई, लेकिन जो इनका कैडर वोट है वो इनको मिलेगा, बाकी और ये अपनी हाथी नहीं दौड़ा पाए। और अगर मछली शहर की बात करें तो जैसे वहाँ पे इंडिया गठबंधन और भाजपा के, भाजपा से वहाँ बीपी सरोज जी हैं जो एक बार सांसद भी रहे, और इंडिया गठबंधन से प्रिया सरोज हैं जो कराकत विधायक तूफानी सरोज की बिटिया हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ला ग्रेजुएट हैं, युवा हैं, तो वहाँ अच्छा श्रमण विरोधी का बयान दोनों देते रहते हैं, चाहे वो तूफानी सरोज हों चाहे बीपी सरोज हों, दोनों लोग करते रहते हैं, दोनों एक बिरादरी से भी आते हैं, तो वहाँ के हमने देखा, जफराबाद विधानसभा में भी गए थे, मड़ियाहों भी गए थे, तो प्रिया सरोज की तरफ झुकाव हमको ज़्यादा लगा उन दोनों विधानसभाओं में, कि प्रिया को लोग लाइक कर रहे थे कि ये युवा है और हमारे लिए काम आएगी, बढ़िया देगी। और अगर जौनपुर की बात करें यहाँ पे 74 की, यहाँ भी बसपा पीछे है, निश्चित रूप से वो तीसरे नंबर पर रहेगी,
और लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन और भाजपा का है, और दोनों में कोई भी ऐसे जीत सकता है, लेकिन हमें भाजपा का 20 लग रहा है कि भाजपा जीत सकती है 74 या 73 और 73 जौनपुर लोकसभा 73 कृपा शंकर सिंह भाजपा से जीत सकते हैं। आपसे भी वही सवाल कि जौनपुर में, जौनपुर लोकसभा में क्या रहा निष्कर्ष, कौन जीता कौन जीता हारा तो नहीं कह सकते, लेकिन किसका पलड़ा भारी दिखा? जिस हिसाब से ओबीसी बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई सपा के बाबू सिंह कुशवाहा ने शुरू किया पीडीए के थ्रू, क्या दिखा? बैकवर्ड वोट की जहां तक बात है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावशाली है, और जौनपुर के लिए एक बड़ी बात है कि जौनपुर लोकसभा जो 73 लोकसभा है उसके पास शहर है, नगर का भाग है। नगर का भाग जहाँ भी होता है निश्चित रूप से वहाँ पे वयस्क वर्ग होता है, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो इस तरह के जहाँ पे होता है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा होता है। और यहीं से सटी मल्हनी विधानसभा है जहाँ पे कि धनंजय सिंह फैक्टर भी बहुत अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन कितनी बड़ी उसके बाद लड़ाई भाजपा अपनी जो है ग्रामीण क्षेत्र में खड़ी कर पाएगी वो तो आने वाला दिन 4 तारीख को पता लग पाएगा, सच्चाई इस बात की है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जैसे कि मछलीसर है, मछलीसर एक छोटा एक तहसील है, एक छोटा कस्बा है, तो उनके पास उतना बड़ा एरिया नहीं है जितना बड़ा शहर का जौनपुर का एरिया है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास वोट की संख्या ज़्यादा है। और काफ़ी समय से यानी कि एक टेन्योर का पूरा गैप आया है, यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी नहीं था, तो भाजपा के प्रत्याशी को हो सकता है इस चीज़ का लाभ मिले कि पिछले प्रत्याशी ने कुछ काम किया या नहीं किया है, उसकी उपस्थिति क्या थी नहीं थी, उससे वो आकलन अगर करेगी तो निश्चित रूप से भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। और अगर अब कहीं वेव चल रही हो कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की चल रही हो या किसी के नाम की चल रही हो, नहीं परिवर्तन की चल रही हो, तब ये परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। फिर उसके लिए 4 जून की का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वर्तमान समय में जो है कि बस एक फैक्टर है भाजपा के साथ जो निगेटिव दिखाई देता है कि वोट ऑफ परसेंटेज कम है, तो ये कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा जौनपुर शहर भी जो है वो गोमती उत्तरी और गोमती दक्षिणी में अगर देखा जाए तो उत्तरी में जो है वो एंटी भाजपा वोटिंग ज़्यादा हुई है जैसा कि लोग बताते हैं। और क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य हैं, मौर्य समाज का बड़ा लंबा वोट है, चाहे आप इधर पश्चिमी क्षेत्र में देख लीजिए और पश्चिमी से लेकर के आप उत्तरी में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मौर्य समाज का लंबा वोट है। और बाबू सिंह कुशवाहा ने आकर के सबसे पहले जो एक्सरसाइज किया वो जाति पर ही एक्सरसाइज किया, तो वो कहीं बढ़ सकता है कि अगर बाबू सिंह कुशवाहा के लिए लाभप्रद हो सकता है। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? पलड़ा तो अगर देखा जाए तो हाँ, जौनपुर लोकसभा में अभी यही लगता है कि कांटे की बहुत टक्कर है, और जो भी जीतेगा वो 25-50 हज़ार की मार्जिन के आसपास रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक अंतिम समय में जो जिस ढंग से निकल करके आए धनंजय सिंह, तो कहीं हो सकता है कि उसका लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। मछली शहर में क्या देख रहे हैं? मछली शहर में निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया है वो बुलडोजर और स्थानीय बाबा वाला फैक्टर काम किया है। और प्रिया सरोज एक युवा है और पढ़ी लिखी महिला हैं, और इस तरफ झुकान लोगों की बहुत ज़्यादा हुई है, और इसलिए माना जा रहा है कि मछली शहर में निश्चित रूप से गठबंधन जीत सकता है। और शहर के लिए अभी बहुत ही तनाव नहीं बल्कि बहुत ही कांटे की टक्कर है। ये थे जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मानना है कि जौनपुर लोकसभा सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी जहां दिख रहा है, वहीं पे मछली शहर में गठबंधन प्रत्याशी प्रिया सरोज का पलड़ा भारी दिखने की बात पत्रकार कह रहे हैं। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, और 4 जून की तारीख की जौनपुर और मछली शहर सीट से कौन जीतता है। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।